हेलो गाइज, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेप्टाजोन इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके क्या डोजेस होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस इंजेक्शन को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर ना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेप्टाजोन इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिफाइलोस्पोरिंस ग्रुप की एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बीमारियां बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए सेप्टाजोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जान लेते हैं ये इंजेक्शन काम कैसे करता है। ये बैक्टीरिया की सेलवाल पर अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। सेप्टाजोन सेलवाल में मौजूद पेप्टाइडोग्लाइकन के सिंथेसिस को रोकता है, जो बैक्टीरिया को ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करने में मदद करता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंथेसिस जब ख़त्म हो जाता है, तब बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, सुजाक, मेनिंजाइटिस, कान में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, फूड पॉइजनिंग हो जाती है बैक्टीरियाज की वजह से, उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और भी कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि कान की हड्डियों में, खून में, पेट, फेफड़ों में और महिलाओं के जननांगों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सेप्टाजोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसका मोस्टली यूज़ टाइफाइड में भी किया जाता है, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसा बुखार होता है जो बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से लोगों में इन्फेक्शन हो जाता है और टाइफाइड फीवर की कंडीशन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी सेप्टाजोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं। सेप्टाजोन इंजेक्शन का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है, तब उसको 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक एक दिन में दे सकते हैं डिवाइडेड डोज में। इसको आईवी यानी कि इंट्रावेनस या फिर आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सेप्टाजोन इंजेक्शन 5 से 10 दिन तक लगातार दिया जाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट बच्चा है, तब उसको 100 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में देते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को लेने से कभी कभी नोजिया एंड वोमिटिंग लगने लगती है। जब किसी पेशेंट को ये आईवी दिया जाता है, तब उसको अचानक से मितली लगती है और उल्टी होने की संभावना रहती है, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। पेट संबंधित कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, डायरियल कंडीशन हो सकती है, नौजे एंड वोमिटिंग, लाल चकत्ते हो सकते हैं, सिरदर्द हो सकता है, अल्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी इस इंजेक्शन को देने से पेशेंट को ठंड जैसी लगने लगती है, पेट में गैस बनती है, तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से या फिर फार्मासिस्ट से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है सिफाइलोस्पोरिंस ग्रुप की एंटीबायोटिक से, तो ऐसे लोगों को इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के आंतों में सूजन है, पेट में सूजन है, पीलिया है या फिर एसिडिटी है या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, तब भी इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वुमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, तब भी इन महिलाओं को अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फ़ायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा सेप्टाजोन इंजेक्शन क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके क्या डोजेज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस इंजेक्शन को लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर ना है, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।